तो दोस्तों हुसैनीवाला बॉर्डर की परेड के लिए 4 बजे यहाँ से एंट्री शुरू हो जाती है। तो यहाँ फर्स्ट स्टेप है कि आपको आई कार्ड दिखाकर यहाँ से एक पर्ची लेनी है। तो एक आईडी पे आप कितने लोग भी जा सकते हैं। तो देख सकते हैं लोग काफ़ी जमा हो रहे हैं और यहाँ पे पर्ची नोट करवानी है आपको। ये BSF का जवान यहाँ पे चेक करके फर्स्ट स्टेप आपका यहाँ पे क्लियर हो जाता है। और देख सकते हैं काफ़ी लोग अभी जमा हो रहे हैं। और दोस्तों जो लोग ना चल फिर नहीं सकते हैं या फिर ओल्ड एज हैं, उनके लिए इलेक्ट्रॉनिक ये गाड़ी है, परेड तक आपको छोड़ देती है। और ये देख सकते हैं आप, पूरी वायरिंग यहाँ पे पाकिस्तान की साइड पे लगी हुई है। और वायरिंग के 150 फीट आगे जो पिलर लगा रहता है 0 लाइन का, वहाँ से फिर पाकिस्तान शुरू होता है। तो यहाँ आपको पैदल चलना पड़ता है, थोड़ा सा 500 मीटर के आसपास होगा। और उसके बाद सेकंड यहाँ पे फिर चेकिंग होती है आपकी मैनुअली जो। तो उसके बाद हम यहाँ पे ये मेन गेट है जो, ये क्रॉस करेंगे और सीधा सामने आपको तिरंगा झंडा दिख जाएगा, परेड का जो मैदान है। यहाँ से ये देख सकते हैं, ये लोहे का गेट रात को हो जाता है बंद। और ये जो आप वायर देख रहे हैं ये 0 पॉइंट नहीं है, इसके आगे 150 फीट पे जो आप वाइट कलर का वो सामने छोटा सा पिलर देख रहे हैं, रियल में ये वाली 0 पॉइंट रहता है, 0 लाइन बॉर्डर जिसे कहते हैं। तो इसके एक कदम उस साइड में पाकिस्तान है और इस साइड में इंडिया। इसे क्रॉस करने की इजाज़त ना तो पाकिस्तानी रेंजर को है और ना इंडियन BSF को। तो ये रियल बॉर्डर रहता है। तो भारत माता की जय के साथ ये सब लोग यहाँ हमारे साथ परेड देखने के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ ऑडियो में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था दोस्तों। तो ये सब लोग लुधियाना से आए हैं हुसैनी वाला परेड देखने के लिए। तो हम वेलकम करते हैं इनका अपने चैनल की तरफ से और हुसैनी वाला की तरफ से। तो बिल्कुल सामने अभी पहुँच चुके हैं परेड के पास। तो BSF के जवान देखिए बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, अभी इंजॉय करते हैं हुसैनी वाला की परेड सेरेमनी। तो जिसने अमृतसर की परेड देखी है तो बताना कौन सी बेहतर लगी आपको। तो यहाँ देख सकते हैं अभी पूरा रश है और उस साइड में सारे पाकिस्तानी हैं और ये है हमारा सारा इंडिया का क्राउड यहाँ पे। और अभी होगा शोर, वंदे मातरम, हिंदुस्तान जिंदाबाद। तो ये देख सकते हैं ये सब हमारे यहाँ इंडियन साइड से अभी लोग आ रहे हैं, भर रहे हैं। और ये सामने हैं पाकिस्तान की तरफ से जो लोग आ रहे हैं।
कोई भी शोर ना बोला जाए। शोर केवल देशभक्ति से संबंधित है। जैसे पाकिस्तान रेंजर्स की तरफ से हम आपको गंडा सिंह क्वार्टर पर खुश आमदेद कहते हैं। तमाम बहन भाइयों और बच्चों से गुजारिश है कि परेड के दौरान परेड वैलियों में गैर अखलाकी नारों और रूटिंग से परहेज करें, मां सिवाय इन नारों के। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह और जीवे जीवे पाकिस्तान। शुक्रिया। Oh,
ਬੇਟਾ ਹੀ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਬਈ। Yeah, yeah.
शाम को डेली यहाँ पे 4 बजे से परेड शुरू होती है। और ये देख सकते हैं कितना बड़ा हमारी तरफ पूरा स्टेडियम बना हुआ है। भारत माता की जय। कहाँ से सर? जे एंड के से। सर बहुत प्यार है सबका। देखिए हिंदुस्तान के साथ जे के जम्मू एंड कश्मीर से आए हैं भाई साहब। सो वंदे मातरम, भारत माता की जय। सो दोस्तों देख चुके हैं आपके अभी बिल्कुल परेड की समाप्ति हो चुकी है। वंदे मातरम हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारों के साथ गूंजता हुआ पूरा ये स्टेडियम। और ये पीछे आप देख सकते हैं पाकिस्तान इंडिया का जो पूरा वो स्टेज जहाँ पे परेड अभी हो रही थी। तो परेड अभी ख़त्म हो चुकी है, अब चलते हैं हम वापस खेमकन की साइड और मिलते हैं कल अमृतसर में। हाँ जी सर, थैंक यू। ਹੁਣਾ ਦੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦਰਗਾਹ ਵੀ ਮੰਦਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ, ਬਹੁਤ ਭੇਦਭਾਵ ਰੱਖਦੇ। ਦਰਗਾਹ ਆ ਆਹੋ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਮੰਦਰ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ। ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ, ਬਹੁਤ ਭੇਦਭਾਵ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਸੈਨੀ ਬਾਬਾ ਕੀ ਦਰਗਾਹ ਹੈ। ਜੀਰੋ ਲਾਈਨ ਬਾਰਡਰ ਪਰ ਦਰਗਾਹ ਔਰ ਮੰਦਿਰ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਸਾਥ ਹੈ। ਦੇਖੀਏ ਯਹਾਂ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਕੇ